आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी। इस अचार को ना ही हमें धूप में सुखाना है, ना ही इसमें विनेगर डालना है, तो रेसिपी तो आसान है ही। यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। इसे अच्छे से धो के सूखे कपड़े से पोंछ लें। डंठल हम निकाल देंगे, तो हरी मिर्च को आप लंबाई में काटें या फिर छोटे टुकड़ों में कर दें, तो आपको जैसा पसंद है इसे आप वैसा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसे हमें धूप में सुखाना नहीं है, इसमें तुरंत ही मसाला मिक्स कर लेना है, क्योंकि हरी मिर्च जो है बहुत ही जल्दी काली पड़ने लगती है। तो इसे अब हम अलग रख देंगे। चलते हैं अब मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो मसाला बनाने के लिए पैन में एक चम्मच राई या सरसों डाल दें, उसके साथ हम ये पीली वाली सरसों डाल देंगे। तो एक चम्मच पीली वाली सरसों डाल दें, तो ब्राउन वाली सरसों पीली वाली सरसों के टेस्ट को बैलेंस करता है। एक चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद एक चौथाई छोटा चम्मच हम ये मेथी के दाने डाल देंगे। आप इसमें साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया भी डाल दें। मेरे पास ये दोनों चीज़ें भूनकर पिसी हुई है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर इन्हें हल्का सेक लें। बस पैन गर्म हो उतना ही हमें इसे सेकना है। तो मसाले हल्के सिक गए हैं, गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें। ध्यान रहे मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस मसाले हल्के सिक जाएं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और उसके बाद इसे ठंडा हो जाने दें। मसालों को मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे। तो ये मैंने एक चौथाई कप सरसों का तेल लिया है। तो अचार जो है सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन यदि आपको ये नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम तेज़ रखें और तेज़ आंच पर तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो हमने यहाँ पर मसालों को पीस लिया है। मसालों को हल्का दरदरा पीसें। तो अचार के लिए आप जब भी मसाला बनाएं, मसालों को आप हल्का दरदरा रखें, पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाएं। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगी, आधा चम्मच धनिए का पाउडर डाल देंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचार का मसाला बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि मसाले को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालना इसमें ऑप्शनल है, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और आधा चम्मच काला जीरा या मंगरेला डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें ये हल्का गुनगुना तेल डाल देंगे। ध्यान रहे कि तेल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तब आप इसमें नहीं डालें, क्योंकि गरम तेल जो है मसालों को बहुत ज़्यादा पका देता है। तो तेल जब हल्का गरम रहे तब आप मसालों में डालें। इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसालों को तेल में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है, तो आमचूर एक खट्टापन लेके आता है, जिससे अचार जो है और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी तक हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सबसे लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस अचार में विनेगर या सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। हमने इस अचार को धूप में नहीं सुखाया है। यदि आप इसे धूप में सुखा के उसके बाद अचार बना रहे हैं, तब आप इसमें विनेगर डालें और फ्रिज के बाहर आप रख सकते हैं और 6 महीने तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हरी मिर्च का अचार बनके तैयार है। यदि आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप अचार की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। इंस्टेंट है और सिंपल रेसिपी है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें।